सीमा में गरीबों को बांटे जा रहे राशन को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी के बड़े नेताओं से शिकायत की है, जिसके बाद अब शासन ने पार्षदों को अनुमति दे दी है कि वो खुद राशन खरीद कर बांट सकते हैं। इसको लेकर दो तरह की राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, जबकि महापौर रामचरण इस व्यवस्था को सही बता रहे हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि गरीबों को राशन बांटने के मामले पर मेयर के कद बढ़ रहा है और इसलिए संगठन के आला नेताओं ने पार्षदों के कंधे पे बंदूक चलाकर यह अनुमति जारी कराई है ताकि महापौर का बढ़ता कद रोका जा सके। अब ये अगर गड़बड़ी होती है, क्योंकि पार्षदों का अपना अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसके वार्ड में अगर कोई पार्षद गड़बड़ी करता है और जनता अगर शिकायत करती है तो वो पार्षद का जवाबदेही होगा। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर राशन वितरण को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। महापौर एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबों को जो राशन बांटना है वो खुद बांटना चाहते हैं, लिहाजा जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये कहना सामने आया है कि इस पर महापौर का कद बढ़ता नजर आएगा, लिहाजा इस पर भी राजनीति अब शुरू हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सवरासवता शैलेंद्र पाठक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब राजनीति भी शुरू हो गई है राशन वितरण को लेकर के, क्या माहौल नजर आया? निश्चित रूप से जिस तरीके की व्यवस्था नगर निगम ने शुरू की थी वो एक अच्छी सुचारू व्यवस्था थी, लेकिन इसमें चूंकि विपक्षी और कई सारे पार्षद जिनको ये लग रहा था कि सरकार जो व्यवस्था नगर निगम की है उसमें उनका नुकसान हो रहा है, और ऐसे में जो राजनीति ये केवल इसलिए हुआ कि जो वार्ड के पार्षद है वो अपना श्रेय लेना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये भी था कि महापौर का नाम प्रसार प्रसार ज्यादा हो रहा था, तो संगठन का एक धड़ा जो है उसको भी इस बात की चिंता थी कि कहीं ना कहीं महापौर भी हीरो बन बैठे, तो इसलिए इसमें राजनीति समा गई। और जो पार्षद लोगों ने उन लोगों ने निवेदन किया कि ये इस तरीके से जो संगठन के धड़े से शिकायत की और उसके बाद ये चीजों को बदलाव, लेकिन इसका नुकसान सीधे तौर पे अब जो पब्लिक है, जो नीचे गरीब तबके के लोग हैं उनको अब शिकायत, अब आज एक ही दिन जो आज बंद हुआ है तो आज ही ये चीजें सामने आने लगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र। लॉकडाउन में कम संसाधनों के बीच में